एमपी में टिकट कटते ही हर तरफ घमासान, कहीं इस्तीफा कहीं निर्दलीय लड़ने का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, उसके बाद विरोध के स्वर उपज रहे हैं प्रदेश में। बीजेपी विधायक का गंभीर आरोप, करोड़ों में हुआ टिकट का सौदा, प्रभात झा ने लिए पैसे, बीजेपी विधायक ने लगाया है गंभीर आरोप। मुंबई के वडाला और कॉटन ग्रीन स्टेशन के बीच ओवरहेड इक्विपमेंट में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आने से लोकल ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अवंती रायडू ने शनिवार को फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। रायडू ने यह फैसला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए लिया है। 33 साल के रायडू ने हाल ही में एशिया कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 2.0 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर खिलाड़ी अक्षय कुमार भी अहम रोल में, अक्षय फिल्म में खलनायक की भूमिका में। बिग बॉस 12 में दिवाली फेस्टिवल की धूम शुरू हो गई है। घर में दिवाली का मेला लगने के बाद घर वालों को फिशिंग व्हेल का सरप्राइज दिया गया है। यहाँ पर घर के हर सदस्य को अपनी इच्छा बतानी है। सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी साइंस फिक्शन आधारित फिल्म 2.0 का ट्रेलर शनिवार को शानदार समारोह में लॉन्च किया गया। इस फिल्म को कई भाषाओं में लॉन्च किया जा रहा है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ इलाके में मेन बाजार की कपड़ा मार्केट में अचानक भीषण आग लग गई। आग कम समय में इतनी तेजी से फैली कि आसपास की दुकानों को भी आग में अपनी चपेट में ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इसके साथ हुई इस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के दो इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए रतनपुरी इलाके में पहुंचे हैं। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में प्लाट विक्रेता से 1.25 करोड़ के प्लाट का सौदा कर 65 लाख रुपए के बदले बैग में कागजों की गड्डिया देकर झांसा देकर ठगी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बॉलीवुड की संजीदा एक्ट्रेस में से एक तब्बू का रियल नाम तबस्सुम हाशमी है। हाल ही में फिल्म अंधाधुन में नजर आई तब्बू हिंदी सिनेमा में अलग मुकाम बना चुकी है। उनके बर्थडे के खास मौके पर उनको लोगों ने बधाइयां दी हैं। दिल्ली में एक खूबसूरत ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, जिससे शहर का शानदार नजारा देखा जा सकता है। खास बात यह है कि इस ब्रिज से न सिर्फ गाड़ियों की आवाजाही आसानी से होगी, बल्कि यहां से ग्लास बॉक्स होगा जिसमें पहुंचकर सेल्फी लेने का मौका भी मिलेगा। एक्टर, मॉडल और फिटनेस फिक्र मिलिंद सोमान 4 नवंबर को अपना 53वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव को पार करने के बाद मिलिंद जबरदस्त फिट है। मिलिंद 9 साल की उम्र में नेशनल लेवल पर स्विमिंग बार चैंपियन बन चुके हैं। उन्होंने भारत में आयरन मैन का कॉम्पिटिशन भी जीता है। पंजाब के फजिलका जिले के कुंडल गांव के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका ने छात्राओं की महामारी का पता लगाने के लिए 6ठी और 7वीं कक्षाओं की 15 छात्राओं के कपड़े उतारकर तलाशी ली, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टीवी शो इंडियन आइडल 10 के सेट पर योग गुरु रामदेव ने दिवाली विशेष एपिसोड में मंच की शोभा बढ़ाई। इंडियन आइडल 10 के कंटेस्टेंट सलमान अली ने गीत जय हो पर शानदार प्रदर्शन किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दौरान हवाला कारोबार के खिलाफ जयपुर एडीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर जंक्शन पर दिल्ली से अहमदाबाद में जाने वाली आश्रम एक्सप्रेस में एटीएस टीम ने दबिश देकर बोरों में पार्सल में 50 लाख का कैश बरामद किया है। क्रिकेट के मैदान पर लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे विराट कोहली के प्रशंसकों में दिग्गज क्रिकेटर ब्रायन लारा भी शामिल हो गए। उन्होंने कोहली की खूब तारीफ की है।
दिल्ली के शकरपुर थाने में एक महिला ने कथित आचार्य अशोकानंद जी महाराज और योगीराज और उसके दो साथी रजनी कश्यप और बबीता जैन के खिलाफ धार्मिक क्रियाकलापों की आड़ में धोखाधड़ी और पैसे ऐंठने का मामला दर्ज कराया है। वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम रविवार से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की T20 सीरीज में उतर रही है। भारत के लिए यह सीरीज आसान नहीं होगी। इंडीज की टीम T20 में बिल्कुल अलग और खतरनाक है। वह मौजूदा 20 विश्व चैंपियनशिप भी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने नए नए अंदाजों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। तेज प्रताप यादव देवघर में शिव के अवतार में हाथों में त्रिशूल लिए दिखाई दिए थे। तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने के लिए एक दिन बाद तेज प्रताप यादव शनिवार को रांची के राजेंद्र चिकित्सा विज्ञान में अपने पिता राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव से मिले। तलाक के मुद्दे पर पिता और बेटे के बीच अस्पताल के एक बंद कमरे में चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। शुक्रवार को टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा के बाद कांग्रेस ने आगामी विधानसभा के लिए 155 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को विपक्ष के आरोपों का सामना करने और उनके झूठ का पर्दाफाश करने के तरीके बताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक खास सौगात देने जा रहे हैं। यह मौका इसलिए खास है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार कोई मालवाहक जहाज अंतरदेशीय जलमार्ग से माल की ढुलाई करते हुए वाराणसी पहुंचेगा और इसी के साथ पीएम मोदी काशी में बने बहुपक्षीय टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक वायरल वीडियो को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और छिंदवाड़ा से सांसद कमलनाथ का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसे लेकर सीएम शिवराज और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कमलनाथ और कांग्रेस पर हल्ला बोला है।